हाँ तो महामंत्री जी, द्वितीय मुद्दा क्या है बताइए। महाराज, हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो विजयनगर राज्य के लिए ये क्या स्वर निकाल रहे हो? हमने तो कुछ भी नहीं किया गुरुजी। गुरुजी, कुछ भी नहीं किया। तुमने नहीं किया तो किसने किया? ध्वनि तो वहां से आ रही है। गुरुजी, याद कीजिए, ये वही आदिवासी हैं जो हमें मार्ग में मिले थे। कि यहाँ क्या कर रही हैं गुरुजी? वही तो हम जानना चाहते हैं। हाँ। गुरुजी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका सत्कार करने के लिए आए हैं। उन्हें? अच्छा, ये हमारा इतना आदर सत्कार क्यों कर रहे हैं? अरे गुरुजी, वैसे भी आपका इतना सत्कार करता कौन है? गुरुजी, जब मुफ्त में हो रहा है सत्कार तो चुपचाप कर लो ना स्वीकार। अच्छा है। शहनाई, ये ढोलक, ये बाजा, ये मालाएं, आप तो पूरी बारात लेकर आ गए यहाँ। करके 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 क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे तत्कालीन महाराज के साथ आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कहीं आप इनके प्राण तो नहीं ले रहे? अरे महामंत्री जी, आप इन्हें उपाय सुझाना बंद कीजिए। क्या है? हमारा कुक्कू जब प्रसन्न होते हैं तो कोड़ा चलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ये पता नहीं कैसा कुक्कू है, प्रसन्न होने पर कोड़े चलाता है। दली, हाँ, ये कहाँ गए? हम अपनी पुत्री आरा कीकी को छोड़ने उसके ससुराल विजयनगर लाए हैं। हाँ तो ठीक है ना, तो जाइए ना, ससुराल छोड़कर आइए। यहाँ दरबार में क्यों लेकर आए? देख कर कोड़ा चलाइए, लगभग गया तो। इसीलिए तो आए हैं हम यहाँ, क्योंकि हमारे नाथ यहाँ हैं। इतनी मधुर वाणी है, मुख कितना सुंदर होगा। आपके पति यहाँ कैसे हो सकते हैं? कौन है आपके पति? आप महाराज। हम कैसे हो सकते? अच्छा अच्छा
अरे हमारा प्यारा मुन्ना कुपित हो गया, इतना क्रोध। हमारा राज दुलारा, हमारी आंखों का तारा रूठ क्या है? मुख तो देखो टमाटर की भांति लाल हो गया है। सुनिए ना, बाहर चलिए। क्यों? मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ, तुम्हारे हर आदेश का पालन करना होगा। तुम जब बोलो तो कक्ष के अंदर, तुम जब बोलो तो कक्ष के बाहर। नहीं आऊंगा, कदापि नहीं आऊंगा। नहीं आएंगे? नहीं। पक्का? पक्का। ठीक है, उत्तम है, पड़े रहो यहीं पे। ठीक है, उत्तम है, पड़ा रहूंगा यहाँ पे। अम्मा देखिए ना, भास्कर सोते हुए कितना प्यारा लगता है, एकदम अपने पिता की भांति। सोते हुए शिशु को ऐसे नहीं निहारते, तेरी ही कुदृष्टि लगेगी इसे। मेरी दृष्टि कुदृष्टि है? ऐसा कहते हैं। भोजन खा लीजिए। नहीं खाऊंगा। मेरी इच्छा? आपकी इच्छा तो अंदर से बाहर आने की भी नहीं थी। खा लीजिए। नहीं खाऊंगा। देखिए अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो भास्कर क्या सोचेगा? किंतु भास्कर क्या सोचेगा? आप यही सोचेगा कि उसके पिता ने खाना तक नहीं खाया। अरे तू तो मेरा प्यारा बेटा है, सबसे प्रिय है। सर्वप्रथम तू है, तत्पश्चात तेरा पुत्र। सही कहा अम्मा, अब तो मेरे पति परमेश्वर है, जीवन आप पे निछावर किया है। इतने प्रेम की वर्षा क्यों हो रही है? क्या चाहिए तुम दोनों को? अब वो भास्कर का ना कमरबंद और उसके नजर का धागा, वो कदाचित दरबार में रह गया है, बस वो जाके ले आइए ना। अच्छा, तो तुम दोनों चाहते हो कि मैं एक धागे के लिए भोजन त्याग करके इतनी दूर चल के गुरुवर तथाचार्य के सम्मुख जाऊं? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। जाइए ना, जाइए ना, लिखराइए ना। अरे जाने दे, स्वर्ण का ही तो है। हाँ, अम्मा छोड़ो। स्वर्ण का है? अभी जाता हूँ। मार गए गुरु जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। क्या जोड़ी बनाई है श्री राम ने, एक घोड़ा एक घोड़ी। मूर्ख, ये क्या अनाप शनाप कह रहे हो तुम? और आप ये क्या अनाप शनाप कह रही है? हमारा आपके साथ विवाह कब हुआ? आपको स्मरण नहीं महाराज? नहीं देवी, इन्हें कुछ स्मरण नहीं रहता, आयु हो गई है ना इनकी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आप कह रही तो आप अवश्य सही कह रही होंगी, आपका विवाह इनसे अवश्य हुआ होगा, हम मानते हैं। कब हुआ विवाह? आज प्रातः महाराज। आपने हमारी भेंट हुई थी आज नगर में, आपने स्वयं हमारे शीश पे हाथ रखे हुए आशीर्वाद दिया था, उसी क्षण तो आपसे हमारा विवाह हो गया था।
सदैव प्रसन्न रहो। यदि कभी भी किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच हमारे पास आ जाना। तो क्या हो गया? हम इस राज्य के राजगुरु हैं, तत्कालीन महाराज हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, तो मात्र आशीर्वाद देने से हम आपके पति हो गए? भाई, हमारे गांव की प्रथा के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी कन्या के सर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद दे तो वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। अरे हम तो प्रतिदिन अनेकों नारियों को आशीर्वाद देते हैं, तो क्या वो सब हमारी पत्नी हो गई? मूर्खों, इसे विवाह नहीं आशीर्वाद कहते। मूर्ख, हम मूर्ख नहीं, हमारे यहाँ आशीर्वाद को ही विवाह कहते हैं। आशीर्वाद को विवाह माना जाता है? जी, ये बिल्कुल ठीक हुआ आपके साथ। याद है आपने विवाह का लालच दिखा के हमारे साथ छल किया था, मूर्ख बनाया था हमें, अब भुगतिए आप। जैसी करनी वैसी भरनी। हम नहीं मानते से विवाह। क्या है? अन्याय है। क्या होगा हमारी पुत्री का? हमें न्याय चाहिए। ये बार बार कूड़ा चलना आवश्यक है, लग जाएगी हमें। अरे गुरुजी, बार बार याद मत दिलाइए वरना अगली बार आपके सिर पर मार देंगे। ये क्या समस्या है? राम 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 राम। अरे वाह गुरुवर। अब तत्कालीन महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ, नहीं, हम आपको क्यों याद करेंगे? नहीं किया, उचित है। धन्यवाद, प्रणाम। मंत्री प्रणाम। ए पंडित रामकृष्णा, ये क्या ढूंढ रहे हैं आप? गुरुजी, गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आ गए, इनसे सहायता ले लीजिए, अच्छा मौका है। कदापि नहीं। आज आप महाराज बन गए हैं तो हमारी फूल सी पुत्री को भूल गए हैं? पहले उससे विवाह किया, अब स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। क्या होगा हमारी पुत्री का? अरे वाह गुरुवर, आपने दूसरा विवाह कर लिया और सूचना भी नहीं दी। अरे बधाई हो गुरुवर, बधाई हो, बधाई हो। हमने कोई विवाह नहीं किया, जाइए जाकर अपना कार्य कीजिए। ठीक है। अरे क्या चुहा, क्या कर रहे हैं आप? ढूंढ रहा हूँ। तू देख रहे हैं ना मिनी, आज क्या हो रहा है दरबार में? हाँ रे धनी, एक सुंदर नारी के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे आप दोनों घबराइए मत, मैंने तो भी कुछ समय पूर्व ही सुना था कि महाराज एक असहाय नारी सुलोचना को न्याय दिलाने हेतु उससे विवाह तक करने को तैयार हो गए थे, है ना महाराज? हाँ हाँ। तो महाराज उस नारी को न्याय दिला सकते हैं, तो इस नारी के साथ न्याय क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अब पंडित रामकृष्ण, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? क्यों क्यों गुरुजी क्यों? सुलोचना देवी के साथ एक न्याय और छोटी गुरु माता के साथ दूसरा न्याय, ऐसा भला क्यों? छोटी गुरु माता, छोटी गुरु माता मध्य में कैसे आ गई? महाराज ऐसा पक्षपात, ऐसा भेदभाव क्यों गुरुजी क्यों? ना ना धनी मनी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इधर आइए, मेरे पास आइए। इस तरह से बोलो, इस तरह से। क्यों महाराज क्यों? ऐसा कैसे होने दे सकते हैं आप? बोली बोली। क्यों महाराज क्यों? ऐसा कैसे होने दे सकते हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसी तरह से दोबारा कहिए। ये दिन देखने से पूर्व हमारे नेत्रों की ज्योति चली क्यों नहीं गई? हमारे कर्णपट फट क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पूर्व हमारे नेत्रों की ज्योति चली क्यों नहीं गई? हमारे कर्णपट फट क्यों नहीं गए? चुप, बंद करें सब। ऐसा क्या हो गया है? ये नौटंकी कर रहे हो? धनी मनी, जी जी जी।
ऐसा क्या हो गया गुरुवर? आपको ज्ञात है ना, यदि किसी नारी को असहाय छोड़ दिया जाए तो दंड मिलेगा, है ना मंत्रीवर? अवश्य अवश्य। देखा वो क्या है? हमें सब ज्ञात है, तत्कालीन महाराज है हम। हमें सब ज्ञात है ऐसे व्यक्ति को 14 वर्ष का कारावास होगा। नहीं नहीं, हम कुछ और कहना चाहते थे। क्या कहना चाहते हैं? यही कि यदि महाराज हो तो 14 वर्ष के कारावास की जगह पर मृत्यु दंड होगा। मृत्यु दंड? चुप रहिए आप दोनों। यदि आपने हमारी पुत्री को नहीं स्वीकारा तो हम कोड़ा मार मार के अपने प्राण त्याग देंगे। गुरुवर रोकिए, आपके ससुर अपने प्राण त्यागने वाले हैं। यदि ये मर गए ना तो आपकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। शीघ्र कुछ कीजिए। कर रहे हैं कर रहे हैं, चुप रहिए आप। रुकिए। इस तरह से आत्महत्या मत कीजिए, हमें विचार करने दीजिए कि आपको कैसे आत्महत्या करनी चाहिए। अर्थात हम विवाह पर विचार करते हैं। रुक जाइए। आपका तो हो गया, मेरी सहायता कौन करेगा? अरे पंडित रामा कृष्णा, ये क्या ढूंढ क्या रहे हैं आप? भास्कर का कमरबंद स्वर्ण का है, यही कहीं गिर गया था, उसे ही ढूंढने आया हूँ। हाँ तो फिर ढूंढिए चुपचाप। हाँ तो ढूंढ रहा हूँ ना। बार बार क्या चुप रहे? ये क्या है? क्या है ये? यही तो है, यही तो है, यही है, यही है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। अब जाइए ना, आपका काम हो गया। मेरा तो हो गया गुरु भाई, किंतु आपका नहीं हुआ। आपने वरमाला तो बदली ही नहीं। देखिए कैसे शर्मा रही हैं, कन्या के साथ वरमाला तो बदलिए। पंडित रामा कृष्णा हमारे रहते दूसरी स्त्री से विवाह किया? आप जैसे राक्षस को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हम करेंगे आपका संघार। नहीं, नहीं!
हमारे रहते दूसरी स्त्री से विवाह किया? आप जैसे राक्षस को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हम करेंगे आपका संहार। नहीं। क्या सोच रहे गुरु जी? वरुण माला, हमारी बात सुनो। हमने कुछ नहीं किया। आपने हमारे साथ घोर अन्याय किया है। गुरुजी, गुरुजी, हमने गुरु माता को इतने क्रोध में आज से पहले कभी नहीं देखा। आपका संहार तो होकर रहेगा आज गुरुजी। आपने दूसरा विवाह कर लिया और हमें सूचित तक नहीं किया। आपने अपने दूसरे विवाह में हमें सम्मिलित तक नहीं किया स्वामी। एक बार आप कहकर तो देखते, हम स्वयं अपने हाथों से आपके विवाह की पूर्ण तैयारियां करते। ये आप क्या कह रही हैं वरुण बाला? हमें आशीर्वाद दीजिए दीदी। दीदी दीदी स्वामी, आपने अपनी लीलाओं से हमें बहन भी दे दी। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम। हम क्षण भर में आते हैं। जी गुरु जी। कन्यामणि, ऐसा प्रतीत होता है वरुण वाला सदमे में चली गई। नहीं नहीं गुरु जी, भ्रमित में तो ये गुरु माता का तो यही सामान्य रूप है। हाँ। यदि हमें आभास होता कि हमारा दूसरा विवाह करने पर इन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो हम दूसरा क्या तीसरा चौथा पांचवा विवाह भी कर लेते, परंतु अपनी पसंद की नारी से। तो अब भी किस तरह का गुरु जी, यदि आप चाहें तो सुदामिनी देवी जी को बुला लीजिए। दीदी आप क्यों तकलीफ करती हैं? हमें दीजिए ना। आइए आइए, भीतर प्रवेश करिए। अब इस आलता में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करिए। हाँ? ये लक्ष्मी की नहीं, ये तो डायन के पैर हैं। स्वामी नहा दीजिए। क्यों? पीछे दो। आज से इस घर और हमारे स्वामी को संभालने का उत्तरदायित्व आपका। आइए लीजिए। आज से हमारा गृहस्थ जीवन समाप्त हुआ। अब बस हम भगवान स्वरूप अपने स्वामी की आराधना में लीन रहेंगी। ओम तथाचार्य नमः। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वरुण माला की। जीवित व्यक्ति के चित्र पर फूल चढ़ा रही। ओम तथाचार्य नमः। गुरुजी, इस हिसाब से ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाले हो नहीं। अब सुहाग रात्रि की तैयारी करते हैं। रात्रि की? रात्रि
अरे अधिक रात्रि हो गई है, तू यहाँ क्या कर रही है? अम्मा पहले हम आपके पांव दबाएंगे, तत्पश्चात विश्राम करेंगे। दस माह हो गए हैं गर्भावस्था से बाहर निकले, कुछ सोचा है? हाँ माँ सोचा है ना, भास्कर के लिए हमने दूध गर्म कर दिया है, अभी जाके पिला देंगे। भास्कर की नहीं, मैं प्रभाकर की बात कर रही हूँ। कौन प्रभाकर? भास्कर का दोस्त। भास्कर का भाई? वो कहाँ से आया? शारदा तो बुद्धू की बुद्धू ही रहेगी, भास्कर अकेला ही बड़ा होगा क्या? दोनों भाई साथ में बड़े होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। क्या माँ भी जा, इससे पूर्व रामा को नींद आ जाए। नहीं अम्मा। यारा कुको कर क्या रहा है? अंदर बाहर अंदर बाहर क्या चल रहा है भीतर? दिख 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 मनी हमारे गुरुजी कैसे उतावले हो रहे हैं और मनी मत शर्मा भी रहे हैं। अरे शर्माएंगे नहीं, आज जो प्रथम रात्रि है विवाह की। क्यों गुरुजी क्यों, पूर्ण रूप से तैयार है ना? रामा जी आपको कौन सा पुष्प पसंद है, सफेद या लाल? दोनों पसंद है। हमें नहीं जाना, हमें लेके चलो यहाँ से, बचा लो हमें धनी मनी। दामाद जी आपको कौन सी सुगंध पसंद है? सुगंध पसंद नहीं। आगे दामाद जी आपको कौन सी पसंद है? हमारे गुरुजी कह रहे हैं दोनों ही पसंद आ गई है। अरे ये पिता पुत्री दोनों हमें भीतर मार डालेंगे, हमें बचा लो। देखो मेरे बच्चे, अरे देखो हम अपनी धन संपत्ति सारी धन संपत्ति तुम दोनों में बांट देंगे, हम बचा लो। धन संपत्ति हमें मिलेगी? नहीं 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 गुरुजी, आपने ऐसा लोभ हमें कई बार दिया है और हमें कि लोभ में आकर फंस जाते, इस बार नहीं फंसेंगे गुरुजी। आगे मैंने सारा कमरा सुसज्जित कर दिया है, आप बस भीतर जाइए, आपकी दुल्हन आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये शुभ संकेत नहीं है। अरे संकेत वगैरह छोड़िए गुरुजी, भीतर जाइए। हाँ गुरुजी ऐसा अद्भुत अवसर फिर नहीं मिलेगा। नहीं अरे गुरुजी रुकिए रुकिए, हमें नहीं मरना। एक दो तीन। ये चाहिए भास्कर को, ये चाहिए भास्कर को। इधर से अच्छा तो उधर से आती ना। बुद्धू एकदम बच्चे से भी नादान। मैं नादान बच्चे के समान हूँ? प्यारे हो, हम भास्कर से बात कर रहे हैं। बात तो ये भास्कर से कर रही है, परंतु लक्ष्य तो मेरी ओर ही लग रहा है। ओ हाँ
अम्मा को मेरे खिलौने से क्यों मार रहे हो? गलत बात है ये। अरे शारदा, क्यों मार रहे हो बापू को? प्रतीत होता है पुनः कुछ गड़बड़ की है बापू ने। आपको लगी तो नहीं? नहीं, सीधा वार हृदय पे लगा है। ये हो क्या रहा है? लड़ाई कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। जा रही हूँ स्वामी। हमें लगा हमें भयभीत कर रही हूँ। क्या उठिए ना स्वामी। क्यों? आप ऐसे हमारे पैरों के पास उचित नहीं लग रहे। शिव 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 शिव, ये क्या करने वाली है? हम शैया पर नहीं बैठ सकते। तो क्या खड़े खड़े बाल्टी भर दूध पियेंगे? एक बाल्टी दूध? हाँ, दूध पीने से प्रथम रात्रि का अनुभव अविश्वसनीय रहता है, ऐसे हमारे गांव की मान्यता है। नहीं बिया तो भी अविश्वसनीय होगा और समस्त जीवन हमें भयभीत करता रहेगा। लीजिए दूध पीजिए। आपको पीना ही पड़ेगा, पीजिए। अगर आपने दूध नहीं पिया तुम्हारे देवता कुपित हो जाएंगे। पी लिया तो सीधे देवता के पास पहुंच जाएंगे। चलिए पीजिए। नहीं पीजिए। नहीं नहीं, अब हमें जाने दो। अभी शेष है। अब और क्या शेष है? अभी आप अपने हाथों से मेरे कोमल कोमल हाथ दबाएंगे और उसके बाद मैं अपने कोमल कोमल हाथों से आपके हाथ दबाऊंगी। अच्छा अफसर है, ऐसा हाथ दबाएंगे कि इसकी हालत बुरी हो जाएगी, ये मूर्छित हो जाएगी और हम बच जाएंगे। हाँ ये हमें स्वीकार है। नहीं अपना हाथ लाइए।
धनी, ये बुढ़ा आवाजें कैसे निकाल रहा है? अरे छोड़ मणि, सुबह देख लेंगे, गुरुजी जीवित बच गए तो सुबह पूछ भी लेंगे कि आवाजें कैसे निकाल रहा था। ये अच्छा है धनी, ये अच्छा है। थोड़ी और शक्ति लगाइए ना। इससे अधिक शक्ति नहीं लगेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम आपके हाथ दबाएंगे। हाँ, दबाएंगे। नहीं, ऐसे किसे दिख रहे हैं? हमें लज्जा आ रही। तो आने दो, मैं तो अपनी पत्नी को ऐसे ही देखूंगा। प्रतीक्षा कर रहा है। कौन? भास्कर का भाई। ये भास्कर द्वार क्यों खटखटा रहा है? ये ध्वनि यहां से नहीं, वहां से आ रही है। उफ़ो, इसको मैं देख कर आता हूं। समय पंडित रामाकृष्णा, द्वार खोलिए। अरे पंडित रामाकृष्णा, द्वार खोलिए ना। ओ क्या है ये, कोई समय है किसी सभ्य व्यक्ति के घर आने का? प्रणाम पंडित रामाकृष्णा, हमें क्षमा कीजिए, जो रात्रि को हमने आपको कष्ट दिया, किंतु हमारे गुरुजी। क्या हुआ उन्हें? उन पर बहुत बड़ी विपदा आ गई है। बधाई हो, संकट उनके निवास पर आया है। कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है? भास्कर, भास्कर उठ जाएगा। उठा लो। क्या? खुद को उठा लो, दरवाजा जाके खोलो। ओ तो चिल्ला क्यों रही हो, भास्कर उठ जाएगा ना। तू आप क्यों चिल्ला रहे, जाके दरवाजा खोलिए ना। ठीक है, मैं द्वार खोलता हूँ, तुम अकेले अंगूर खाओ। पंडित रामाकृष्णा जी द्वार खोली रहे। तीव्रता से खोलिए पंडित रामाकृष्णा जी। पंडित रामाकृष्णा जी, आप ही हमारे गुरु जी की सहायता कर सकते हैं। आपको हमारे साथ शीघ्र पधारना होगा, अभी इसी क्षण हमारे गुरु जी कहीं लापता हो गए। उन पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। पंडित रामाकृष्ण जी द्वार खोलिए। शीघ्रता से खोलिए पंडित रामाकृष्ण जी। पंडित रामाकृष्ण जी, आप ही हमारे गुरु जी की सहायता कर सकते हैं। एक क्षण रुकिए। अब क्या हुआ? अम्मा की लाठी। अम्मा की लाठी। रुकिए पंडित रामाकृष्ण जी। अम्मा रुकिए, रुकिए। अम्मा की लाठी हम ढूंढेंगे। अम्मा उठ गई तो हम सबको बहुत मारेंगे। हम ढूंढेंगे। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। Thank you.
मिल गई। धन्यवाद। उन दोनों ने विघ्न डाला है, सर्वनाश कर दिया नालायको, शांति से अंगूर भी नहीं खाने दिया मुझे। अंगूर? रात को अंगूर वाला कौन खाता है? मैं खाता हूँ, कोई आपत्ति है तुम दोनों को? अब विस्तार में बताओ, ऐसी क्या आपत्ति आ गई कि अर्ध रात्रि को मुझे कष्ट देने चले आए? ओ गुरुजी, सुहागरात। हाँ, सुहागरात मनाने का ही प्रयास कर रहा था, लेकिन तुम दोनों ने तो नहीं नहीं आपने हमारे गुरुजी सुहागरात मनाने जिस कक्ष में गए थे, अब वो कक्ष में नहीं है। तो किस कक्ष में है? वो किसी कक्ष में नहीं है। पूजा घर में होंगे? अरे वो पूरे घर में ही नहीं है। अर्थात घर से लापता है। किसके घर से? स्वयं अपने ही घर से। आप अभी तुरंत हमारे साथ चलिए पंडित रामकृष्ण जी। नहीं, परंतु क्यों? क्योंकि संभवतः तुम दोनों कुछ भूल रहे हो। क्या? शपथ जो तुम दोनों ने खाई थी, स्मरण करो। हम चाहे आपके सामने रोए, चाहे गिड़गिड़ाए, चाहे भिक्षा क्यों ना मांगे, चाहे क्यों ना पैरों में गिर जाए, किंतु दोबारा दरबार प्रवेश मत करना। अरे परंतु हम गिड़गिड़ा तो रहे हैं। कहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं? मैं कदापि प्रसन्न नहीं हूँ। अब क्या करें मुनि? चल गिड़गिड़ाते हैं। गुरुजी बताया था ना कि गुरुजी घर से लापता हैं। गुरु माता से पूछा गुरुवर के विषय में? नहीं नहीं। अरे तो पहले उनसे पूछकर मेरे पास आना चाहिए था ना। कहाँ है वो? बताया तो था कि वो लापता हैं। अरे बुद्धि बख्शियों, गुरुवर नहीं गुरु माता कहाँ हैं? वो पूजा घर में होंगी। अरे गुरु माता तो गुरुजी से भी तेज निकली, पतीला पता है और यहाँ पर निद्रा ले रही हैं। गुरु माता। ओम तथा चार्य नमः। गुरु माता कृपया अपने नेत्र खोले, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम कौन होते हैं आपकी सहायता करने वाले पंडित रामकृष्णा? आपकी सहायता तो स्वयं प्रभु तथाचार्य ही करेंगे। किंतु इस समय स्वयं आपके प्रभु को सहायता की आवश्यकता है। कहाँ हैं गुरुवर? कहाँ है गुरुवर? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है गुरुवर? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इतनी सी बात नहीं गुरु माता, हमारे गुरुजी कहीं दृष्टिगति नहीं हो रहे हैं। अंतर ध्यान हो गए होंगे, लुप्त हो गए होंगे। हरिमणि, तुम दोनों तो उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित हो। हाँ परिचित है, तभी तो चिंतित है। गुरु माता, उनकी नई पत्नी और नए ससुर जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रभु उनकी पत्नी के साथ प्रातः काली सैर पर गए होंगे, आ जाएंगे। गुरु माता, हमारे गुरुजी अर्ध रात्रि से ही लापता हैं। चल रे पगले, वो लापता नहीं हो सकते, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं। वो बस अपने सगुण रूप को छोड़कर निर्गुण रूप में लीन हो गए होंगे और इस समय समस्त ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होंगे। जब मन होगा तो मानव रूप धारण कर लेंगे। हमारे स्वामी की लीला तो अपरंपार है। सत्य वचन, आप सत्य कह रहे हैं गुरु माता, प्रभु तथाचार्य की लीला अपरंपार है। आप पुनः ध्यान में लग जाइए, हम चलते हैं। ओम तथाचार्य नमः। अंतिम बार गुरुवर को कहाँ देखा था? उनके कक्ष में। तो चलिए वहां, चलिए। चलो। यहाँ अवश्य ही कोई दुर्घटना घटी है। रुको,
कुछ भी स्पर्श मत करना, संकट उत्पन्न हो सकता है। क्या है? प्रतीत होता है कि बंद कमरे में हमारे गुरुजी छोटी माता के साथ होली खेल रहे थे। ये तंत्र मंत्र की पूजन सामग्रियां हैं। अवश्य ही यहाँ कोई हवन किया गया था, और वो भी चंदन की लकड़ियों के साथ। ये माँ, ये क्या है? इन पत्तों द्वारा गुरुवर को मूर्छित करके यही लिटाया गया होगा। ये देखिए, यहां से किसी को खींच कर ले जाया गया है। वैसे ही वो गुरुवर होंगे। मोरपंख, अरा किकी और अरा कुकु किस गांव से आए थे? हमने ज्ञात नहीं। ये चारों वस्तुएं एक साथ विजयनगर के मात्र एक ही स्थान पे प्राप्त की जा सकती हैं। कहाँ? निमालीपुरम के वन में। वो लोग गुरुवर को अवश्य ही निमालीपुरम बंदी बनाकर ले गए हैं। पक्का? पक्का वो हमारे गुरुजी को बंदी बना के ले गए ना? संकेत तो यही बता रहे हैं। पंडित रामकृष्ण जी, आ जाइए, जाए आ जाइए। आपका कार्य पूरा हो गया। हम तो बस यही जानना चाहते थे कि गुरुजी हमारे मार्ग से हटे या नहीं हटे। नहीं नहीं, वो क्या है ना, गुरुजी के बाद तो अभी राजगुरु बनाए जाएंगे ना, इसीलिए। मनीचार्य, मनीचार्य उचित है। जब आप दोनों को ही गुरुवर की नहीं पड़ी तो मुझे क्या? हाँ, ये लीजिए। लाइ 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 ले, जाइए जल्दी से जाइए, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा होगा। है उचित है, मैं चला जाता हूँ। किंतु क्या है ना, मैंने सुना है कि निमालीपुरम वाले बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो कोई भी कार्य केवल एक बार नहीं करते, कम से कम दो बार तो अवश्य ही करते हैं। हमें क्या करना? अब गुरुवर के पश्चात आप दोनों राजगुरु बनेंगे, वो आप दोनों को बंदी बनाकर ले जाएंगे। वैसे भी आपकी छोटी गुरु माता ने आप दोनों को देखा तो है ही। क्यों? ऐसा है तो ऐसा करते हैं पंडित रामकृष्ण जी, हम चलते हैं गुरु जी को ढूंढे चलते हैं। अद्भुत, स्वागत करने का इनका तरीका बड़ा अद्भुत। और ये फल हमने पूर्व में कभी देखा नहीं, इसे भी खाएंगे, बाद में खाएंगे। अरे आरा कीकी, यदि आपने हमें पहले बताया होता कि हमारे ससुराल में इतना स्वादिष्ट फलाहार है तो हम कल यहां आ जाते। हाँ ठीक है, पता नहीं टुक टुक करके क्या बात कर रहे हैं। हमारे लिए और खाद्य पदार्थ लाने की बात कर रहे होंगे। ये कह रहे हैं आपको खाना इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि बलि की प्रथा उचित प्रकार से पूर्ण हो सके। ओह अच्छा, मित्र एक कार्य करोगे, वो जो मोटे मोटे से काले काले से अंगूर है ना, वो थोड़ी और लेकर आओ। लाओ। गुरुवर। हाँ? आप बलि के लिए तैयार हैं? हम बलि नहीं देंगे। आपको बलि नहीं देनी है, आपकी बलि देनी है। अच्छा है? क्या हमारी बलि? तो आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ,
शारदा मेरी बात ध्यान से सुनो। अली पलन तो शारदा तो सो ली है। अरे तू चुप रह। रात भर भास्कर के कारण पूरी नींद भी नहीं मिलती इसको। मैं भी तो नहीं सो पाता ना। मैं भी तो नहीं सोया। वो सारी बातें छोड़ो, मेरी बातें ध्यान से सुनो। पंडित रामकृष्ण, आपने हमें इतने प्रातः बुला लिया तो हो क्या गया है? हाँ, बताता हूँ, सब ध्यान से सुनना, समय नहीं है। आप एक बार हमें नेमालीपुरम के विषय में बता रहे थे ना। हाँ, विजयनगर राज्य के आसपास बहुत से वन है, परंतु नेमालीपुरम सबसे भयानक क्षेत्र है और खास करके आदिवासियों का क्षेत्र। बाप रे, वहाँ जाना होगा और आपको हमारा पथ प्रदर्शन करना होगा। क्या? परंतु पंडित रामकृष्ण, हमें मृत्यु के पथ पे क्यों ले जा रहे हैं आप? देखिए मंत्रीवर, गुरुवर की सहायता के लिए करना आवश्यक है। गुरुवर के प्राणों की रक्षा हेतु आपको हमारी सहायता करनी होगी। और देखिए, ये चारों चीजें हमें वहां तक पहुंचाने में मदद करेंगी जहां गुरुवर इस समय हैं। परंतु वहां अकेले जाना उचित नहीं है पंडित रामकृष्ण। इसलिए तो आपको साथ लेकर चल रहा हूं ना। अर्थात मात्र हम दोनों? हमारे लिए चुनौती है मंत्रीवर। अरे ये चुनौती नहीं, प्राणों की आहुति है पंडित रामकृष्ण। अब एक काम करते हैं, हम लोग सेना लेकर जाते हैं। कदापि नहीं, सेना लेकर जाएंगे तो शोर होगा और हो सकता है अराकी की अराको को कुछ ऐसा कर बैठे जिससे गुरुवर के प्राणों पर संकट आ सकता है। अच्छा है, रोज रोज की नहीं नहीं, देखिए हाथ की आवश्यकता तो है ही, साथ में अम्मा शारदा और गुंडप्पे की भी आवश्यकता है। हाँ, और भास्कर की भी। आपका चलेगा, लेकिन हम भास्कर के प्राण संकट में नहीं डाल सकते। चिल्लाओ मत। देखो, जितनी चिंता तुम्हें भास्कर की है उतनी मुझे भी है। मैं वचन देता हूँ भास्कर को कुछ नहीं होगा। अम्मा, अरे बापू, आप इस नन्हे से बालक के प्राण क्यों संकट में डाल रहे हैं? आपका ही पुत्र हूँ, मेले से उठाकर नहीं लाए हो। अरे इसे देखिए, आप सब इतने व्याकुल हो रहे हैं, किंतु ये कितना निडर दिख रहा है। निडर पिता का निडर पुत्र। नीचे भी देखो बापू, मेरी लंगोट पुनः गीली हो गई है। क्यों भास्कर, मेरा साथ देगा ना? बहुत महत्वपूर्ण पात्र है तेरा इस अभियान में। भावनात्मक प्रहार उचित है। जब ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना। दूंगा साथ। अरे हमें छोड़ दो। हम अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर देंगे सबको। छोड़ दो, हमारा आदेश है। चलो आदेश नहीं, विनती करते हैं, छोड़ दो हमें। हाँ छोड़ते हैं। अभी हमारी आयु क्या है? कुछ भी तो नहीं। अरे सुनो, ये पुण्यात्मा की बलि चढ़ाओगे, पाप लगेगा तुम्हें, भूकंप आ जाएगा, यहाँ ज्वालामुखी फटेगा, सब मर जाएंगे, बस हो जाएंगे। अरे मान जाओ, अरे छोड़ दो, अरे हमारी बलि मत दो, अब भिक्षा मांगते हैं। अम्मा, सुनिए, पुष्प तो मिल गया, अर्थात प्रथम पड़ाव पूर्ण। पंडित रामकृष्ण, हमें यहाँ से दाएं जाना है। चलिए सभी, चलो चल चल आओ। एक बार मेरे हाथ आ जा, फिर मैं तुझे बताता हूँ। क्या कर रहे? छोड़ छोड़ो। अरे छोड़ो। क्या वाह, क्या कर दिया? अरे क्या कर दिया मैं?
अरे बलि नहीं चलना, अरे रक्षा करो, कोई तो हमारी रक्षा करो अम्मा। अरे आशीर्वाद देकर विपदा में मत गए रे। हम जीवन भर किसी को आशीर्वाद नहीं देंगे। रुक जाइए पंडित रामकृष्ण, ये देखिए। जंगली वृक्ष। हाँ। नहीं मनी, ये रे जी, यही है, इसी से हमारे गुरुवर को मूर्छित किया गया होगा। हाँ, हमें हमें यहाँ से बाहर जाना है। चलिए आइए, आ जाओ। आओ अम्मा। उस बुद्धे गुरुवर के चक्कर में इस आयु में भी मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। शारदा देवी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। केवल शब्द हमारे हैं, क्रोध अम्मा का ही है। हाँ, हाँ अम्मा, छोड़ना मत। ये क्या है? ये तो चंदन का है। चंदन? अर्थात? अर्थात हम सही दिशा में जा रहे हैं। चलिए, चलो चलो चलो, जल्दी चलो अम्मा, जल्दी चलो, आगे जाओ। शिव 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 शिव, एक बार हमें इस समस्या से मुक्ति दिला दीजिए। हम वचन देते हैं, हम वरुण माला को छोड़कर सौदामिनी के संग प्रेम से रहेंगे। ये क्या मोरपंख? गुरुवर, गुरुजी, गुरुवर। अरे गलत दिशा में जा रहे हैं हम, मेरी बात सुनो, चौथा संकेत मिल गया मुझे। अम्मा, तीन संकेत तो मिल गए, अब मोरपंख कहाँ से ढूंढे? अरे कैसे बताऊं इन्हें? उठा लो। मोरपंख मिलेगा तो उठाऊंगा ना। मोरपंख नहीं, भास्कर और है, इसे उठा लो। तो नहीं लेती। समझते क्यों नहीं हो तुम लोग, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अब इनकी बलि चढ़ेगी। क्यों चढ़ेगी? ये जानवर तुमसे क्या करने वाले हैं? अरे कोई तो बचा लो हमें।